कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। आज ऋषि पंचमी भी है। भारत तो ऋषि परंपरा का देश है। ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन से हमारी पहचान रही है। हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करें, इसी भावना में हम पले बढ़े हैं। इसी भावना के साथ ऋषि पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि मुनियों की परंपरा हमें बेहतर मनुष्य बनने की ऊर्जा देती है। इसी भावना के साथ पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कड़म। ये ऐसा पर्व है, ऐसी परंपरा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनका शोधन करना और बेहतर करने का संकल्प लेना, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को और सभी भाइयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं हमारे प्रेरणा स्रोत लोह पुरुष सरदार साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण, आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज टू कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपका जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण का एक अधिष्ठान बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सरदार साहब के आदर्शों को जीने की प्रेरणा भी देगा। मैं और एक बात भी कहना चाहूंगा, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल, ऐसे अवसर पर हम लोग आज
देश की आजादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन इस छात्रावास में जो बेटे बेटियां पढ़ने वाली हैं और आज जो 18, 20, 25 साल की उम्र के हमारे नौजवान हैं, 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब ये सारे लोग देश की निर्णायक भूमिका में होंगे। आज आप जो संकल्प करेंगे 2047 में, जब आजादी के 100 साल होंगे, तब हिंदुस्तान कैसा होगा, इसके संस्कार ऐसी पवित्र धरती पर होने वाले हैं। साथियों, सरदार धाम का आज जिस तारीख को लोकार्पण हो रहा है, वो तारीख जितनी अहम है, उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है, दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और, हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा।